प्रेतशिला पर्वत पर एक लड़की के अंदर भूत आया हुआ है, पर इतना प्यारा जगह पर कोई नहीं आता घूमने के लिए। दोस्तों प्रेतों की दुनिया में पहुंच चुके हैं। दोस्तों अब जो फोटो जो देख रहे हैं ये मृतक प्राणी का फोटो है। दोस्तों अब हम रामशिला पहुंच चुके हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ से 360 सीढ़ी ऊपर पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, राम जी का मंदिर आएगा उस जगह पर जहाँ पर भगवान श्री राम ने पिंडदान किया था, और उसके बाद हम पहाड़ के सबसे टॉप पर चलेंगे और वहाँ से आसपास का ओवरव्यू आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं राम बेदी जाने का रास्ता, कुल 365 सीढ़ी को पार करके ऊपर पहाड़ पर रामशिला जाना पड़ेगा दोस्तों। और बिल्कुल मेन गेट के सामने ही राम जी का चरण है, यहाँ पिंड विसर्जन करने के बाद लोग ऊपर जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिंड विसर्जन हो रहा है। चलिए रामशिला बेदी की यात्रा शुरू करते हैं। पहला दर्शन हनुमान जी का है। संकट मोचन श्री हनुमान। दोस्तों अब हम 365 सीढ़ी चढ़ करके उस जगह पर आ गए हैं जहां पर ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ जी का पिंड दान किया था। वहां पर भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है, स्टार्टिंग में भैरवनाथ जी का मंदिर है। दोस्तों अभी रामशिला पर्वत पर कोई भी नहीं है, सारे मंदिर बंद है, यहाँ तक कि पुजारी भी नहीं है। हाँ कुत्ते जरूर हैं। बिल्कुल अभी हम अकेले रामशिला पर्वत पर हैं दोस्तों, और बहुत ही प्यारा सुंदर मंदिर है यहाँ पर इतना प्यारा जगह पर कोई नहीं आता घूमने के लिए दोस्तों। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मंदिर भी है यहाँ पर, और यहाँ आसपास का लोकेशन अभी हम आपको दिखाएंगे, बहुत सुंदर है दोस्तों। साधना करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अभी हम आपको पूरा लोकेशन आसपास का दिखाएंगे, नीचे का सीन दिखाएंगे, पर पहले अभी मंदिरों की यात्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हवन कुंड है। अभी हम आपको दिखाएंगे पूरे गया का ओवरव्यू सीन, आप देखकर दंग रह जाएंगे। और यहाँ की यात्रा करने के बाद हम प्रेतशिला पर्वत पर चलेंगे जहाँ पर प्रेतात्माओं की मुक्ति के लिए वहाँ पर श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, मोस्टली उन लोगों के लिए जो कि सुसाइड करके या आत्महत्या करके मर जाते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर ओवरव्यू दिखाने के बाद यहाँ रामशिला से प्रेतशिला की खतरनाक शानदार जबरदस्त यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम गांधी मोड़ आ गए हैं और सीधे जो रास्ता है रेलवे स्टेशन चला जाएगा, और लेफ्ट साइड से प्रेतशिला जाने का रास्ता है दोस्तों, यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर है। दोस्तों हमारी गांधी मोड़ से प्रेतशिला की यात्रा शुरू हो चुकी है, लगभग 5.5 किलोमीटर दूर है, और हम एक अलग नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर भूतों का प्रेतों का भसान किया जाता है। एक नया अनुभव वहाँ पर होगा दोस्तों।
दोस्तों ऑटो यहीं तक रुकती है और यहां से हमको पैदल चलना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों अभी हम थोड़ी ही देर में प्रेतशिला पहाड़ पर चढ़ेंगे, परंतु उसके पहले हम प्रेतशिला परिसर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुंड भी है। दोस्तों कुंड में पानी भरा हुआ है पर साफ पानी नहीं है, और आप देख रहे हैं कूड़ा भी इसके अंदर डाला हुआ है, तो साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए यहाँ के लोगों को, समिति को, सरकार को। दोस्तों यहाँ प्रेतशिला पहाड़ पर चढ़ने से पहले यहाँ पर मोनिया बाबा का समाधि स्थल है, 24 घंटे यहाँ पर धुनी जलते रहता है दोस्तों। और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं जूना अखाड़ा। दोस्तों अब हम प्रेतशिला आ गए हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं सीढ़ियों से होकर ऊपर पहाड़ पर जाना पड़ता है, कुल 676 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, और 51 सीढ़ी पार करने के बाद कामाख्या मंदिर पड़ता है, वहाँ भी हम आपको लेकर के चलेंगे। तो बड़ी ही रहस्यमयी और अद्भुत हमारी यहाँ से यात्रा होने वाली है, भूत प्रेतों की रहस्यमय दुनिया में हम प्रवेश करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए प्रेतशिला बेदी की यात्रा, रहस्यमय यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं पेड़ पर कई सारे फोटो टंगे हुए हैं, ये सभी मृत लोगों के फोटो हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कामाख्या देवी का मंदिर, 51 सीढ़ी चढ़ने के बाद अभी हम कामाख्या माँ का दर्शन करते हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जिनका अकाल मृत्यु हुआ है उनके फोटो हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों अभी हम प्रेतशिला पर्वत की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बकायदे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। और एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, अगर आप पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और सीढ़ी बना हुआ है तो आप सीधे मत चाहिए, कभी भी नहीं, आप थक जाएंगे। हमेशा आप तिरछा होकर जैसे सांप चलता है ना वैसे चलिए, आप कभी नहीं थकेंगे, चाहे कितना भी ऊँचा आपको क्यों ना चढ़ना पड़े। तो उसी तरीके से हम चढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं थक रहे हैं दोस्तों। दोस्तों बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं एक काल भैरव का चौकट है, और यहाँ पर डोली पूजा होता है दोस्तों, और हम बहुत जल्दी ही हम जो है प्रेतशिला पर्वत पहुँचने वाले हैं। दोस्तों अब हम आखिरी चढ़ाई चढ़ रहे हैं प्रेतशिला पर्वत पर जाने के लिए। दोस्तों अब हम 676 सीढ़ियों को पार करके चढ़ करके यहाँ प्रेतशिला पर्वत पर पहुँच चुके हैं, प्रेतों की दुनिया में पहुँच चुके हैं दोस्तों। दुनिया में एकमात्र ऐसा पर्वत है, एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर प्रेतों का उद्धार होता है दोस्तों। मोस्टली उन लोगों के जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है। बड़ा ही रहस्यमय एक पहाड़ है। हम यहाँ के जो पंडा हैं, जो पुजारी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और प्रेतशिला का हर चीज़ आपको दिखाएंगे, हर रहस्य आपको पहली बार हम बताएंगे दोस्तों। दोस्तों अब हम आपको प्रेतशिला उस जगह पर ले जाएंगे जहां पर प्रेतात्माओं से मुक्ति के लिए पिंडदान किया जाता है दोस्तों। यहां पर आप देख रहे हैं ब्रह्मा जी का चिन्ह है, अभी हम बाबा जी से बात करेंगे, बाबा जी आपको इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। भगवान ब्रह्मा जी का चरण चिन्ह है, उसमें 3 स्वर्ण चिन्ह है। इस स्थान पर पिंड देने से जो भी व्यक्ति मृतक प्राणी के नाम से पिंड जो दिया जाता है तो प्रेत जोनी से छूटकर डायरेक्ट विष्णु लोक में निवास कर जाते हैं। भगवान का ब्रह्मा जी का ये चिन्ह का दर्शन कीजिए, ये भगवान का एड़ी का निशान है, ये पंजे का है, इसी में 3 स्वर्ण चिन्ह है, रज तम और सत्य। एक लकीर ये है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण उनका प्रतीक है ब्रह्मा विष्णु और महेश। इस स्थान पर मृतक प्राणी के नाम से पिंड देने से वो प्रेत जोनी से छूटकर डायरेक्ट विष्णु लोक में निवास कर जाते हैं। वो कर्म का साक्षी विष्णु भगवान है। मंदिर में चलिए।
और अंदर में भगवान विष्णु का मंदिर है। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं भगवान विष्णु और फोटो टंगे हुए हैं। यहाँ पर हम पुजारी जी से बात करेंगे, यहाँ के पंडा से बात करेंगे, इसका रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। ये भगवान विष्णु हैं, कर्म का साक्षी। ये सब जो फोटो जो देख रहे हैं ये मृतक प्राणी का फोटो है। अच्छा, यहाँ पर फोटो क्यों लगाया जाता है? यहाँ पर साल भर पूजा होता है और साल भर के बाद फल्गु में विसर्जन हो जाता है। जितने भी फोटो यहाँ पर लगे हैं। जी, जो जहर खा लिया, फांसी लगा लिया, एक्सीडेंट हो गया। ये प्रेत पर्वत है जी। इसी को प्रेत शिला कहा जाता है जी। ये जो छिद्र है उसका क्या मतलब है? ये तीन भाग में है जी। रज, तम और सत उनका प्रतीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश उनका प्रतीक है। जिसके शरीर पे बुरा आत्मा का प्रभाव रहता है तो यहाँ आने के बाद वो अपने भरने और ढकने लगता है जी। ठीक है, और यहाँ स्पर्श करा देने से, क्रिया श्राद्ध करा देने से जो बुरा आत्मा है वो मनुष्य को छोड़ देता है और ये प्रेत शिला में निवास कर जाता है। तो ये प्रेत शिला हम कह सकते हैं कि प्रेत आत्माओं का वास है। हाँ, उड़न सत्वा पितरन पैठ, जो हवा के रूप में पितृलोक जो भ्रमण करते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ पे सत्व उड़ाने से वो पितृलोक बैठ जाते हैं, विष्णु लोक में शांति हो जाते हैं। कपड़ा बंधा हुआ है पेड़ में, ये अकाल मृत्यु का कपड़ा है। हाँ, फोटो जो है मंदिर में लगता है विष्णु भगवान के पास में, पिंड वहाँ ब्रह्मा जी के चरण में चढ़ता है और जो पुराना कपड़ा जो रहता है वो गाछ में यहाँ बांधा जाता है। इसी गाछ में बांधने का क्या मतलब? यहाँ दे देता है शांति के लिए। यहाँ लीजिए, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश है। यहाँ परिक्रमा कर सत्व निक्षेपण होता है। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं प्रेत शिला पर्वत, जहाँ पर प्रेतों का वास होता है, प्रेतों का विसर्जन होता है। दोस्तों अभी प्रेत शिला पर्वत पर एक लड़की के अंदर भूत आया हुआ है, अभी हम आपको साक्षात दिखाएंगे। तुमको कोई ऐसा किया था? तुम्हारे साथ ऐसा कोई किया था? एक बार पकड़ लिया था तुमको, एक बार पकड़ लिया। अब तू नाम बोल दे, देखो छोड़ दो इसे। ओ मंगवा दन दान चुनरिया मियो, मंगवा दन दान दो अकाकिए उठे बैमा चुनी वाला चोकारावाए उठे दूधी में दवा मैं मतिया दीदी कतिए उठे दूधी में दवा। हेलो हेलो, भेजाया हो सपना में, सपना में दिखाई देता हो प्रेत आत्मा, प्रेत आत्मा भूत आत्मा, भूत आत्मा सतगति, सतगति राक्षी हो, राक्षी हो प्रेत बाधा, प्रेत बाधा पितृ बाधा, पितृ बाधा पितरी दोष, पितरी दोष प्रेत दोष, प्रेत दोष दूर हो, दूर हो। अच्छा, यहाँ प्रेत शिला पर्वत पर आपके सामने भूत प्रेत के कई सारे अनुभव हुए होंगे, तो बताइए उन अनुभवों से सबसे कड़वा, सबसे खतरनाक अनुभव आपके साथ क्या रहा? वो कांटा पे कुत्ता है, वो जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं ना, तो कांटा का बनाया रहता है, काटी का, उस पर खेलता है। तो लहूलुहान नहीं होता? नहीं होता, उस पर खेल के उसके बाद वहाँ स्पर्श करते हैं प्रेत शिला पे, उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों प्रेत शिला पर्वत से नीचे का जो सीन है आसपास का, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि गया सात पहाड़ियों से घिरा है, उनमें से सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों ये प्रेत शिला पर्वत। अभी हम आपको आसपास का सीन दिखाएंगे। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं ब्रह्म योनी पर्वत है, और इस तरफ जो सामने पर्वत दिखाई दे रहा है रामशिला पर्वत है, जो हमने पीछे यात्रा की। दोस्तों आज हमने गया रामशिला और प्रेतशिला की यात्रा की। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी यात्रा, हमारा कवरेज आपको कैसा लगा। अगर कुछ कमियां होंगी तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हम अभी यात्रा करेंगे, फिर नवादा भी चलेंगे, ककोलत डैम, ककोलत वाटरफॉल, राजगीर ग्लास ब्रिज भी आपको दिखाएंगे।
तो बहुत ही अद्भुत हमारी यात्रा होते रहेगी। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे सब्सक्राइबर से कि हमारा वीडियो देखिए और विदाउट स्किपिंग देखिए, पूरा देखिए।